हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है एक और क्लैश ऑफ क्लैंस के इंटरेस्टिंग एपिसोड में। आज वाले वीडियो में हम सबसे ज्यादा फायर मतलब बूम वाले टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अपडेट। भाई अगला अपडेट कब आ रहा है राणा जी, ये बता दो। ऐसे आप सभी बोलते रहते हैं कि अगले अपडेट के बारे में डिस्कस करो कि अगला अपडेट आ कब रहा है। सो फाइनली हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं अगले अपडेट के बारे में कि अपडेट कब आएगा, क्या आएगा अपडेट में, क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं, इन सभी के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। सो गाइस, आप सभी अभी सुन रहे होंगे, आप सभी के कानों में आना होगा लूनर अपडेट। तो मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ लूनर अपडेट में क्या चेंजेस होगा। इतना बड़ा अपडेट नहीं होने वाला, लूनर अपडेट में बहुत माइनर से चेंजेस होते हैं, कुछ ज्यादा बड़ी चीज आपको देखने को नहीं मिलती। बट स्टिल क्या क्या देखने को मिलेगी, तो लाइक न्यू लोडिंग स्क्रीन। जी हाँ, लूनर अपडेट जब भी आता है तो जो लूनर अपडेट मेनली क्या है, लूनर एक न्यू ईयर है चाइनीज लोगों का, ठीक है। तो वो फेस्टिवल मनाने के लिए अभी तक हमेशा तो मतलब पिछली बार भी देखोगे 2019-2020 में लूनर अपडेट जो आया था उसके अंदर न्यू लोडिंग स्क्रीन आई थी, उसी तरह से अभी भी न्यू लोडिंग स्क्रीन आ सकती है। उसके अलावा अगर आप सभी को पता होगा तो फायर वर्क करके एक यहाँ पे ऑब्स्टेकल आया था, उस वक्त अगर मैं देखता हूँ मेरे बेस में हो तो फायर वर्क करके ये देख सकते हो, ये वाला आप देख सकते हो चाइनीज का कुछ लिखा हुआ है, तो ये वाला ऑब्स्टेकल आया था। इसके अलावा यहाँ पर बिल्डर बेस के अंदर वो लालटेन टाइप का ऑब्स्टेकल आया था, आप सभी को पता होगा वो एक लालटेन बनी रहती है, ये ऑब्स्टेकल आया था, ये लूनर अपडेट पे आए थे। इसके अलावा शॉप के अंदर आपको अलग अलग तरह के यहाँ पर ऑफर देखने को मिलते हैं, जो भी बाय करने वाले ऑफर्स होते हैं ना बड़े बड़े, मतलब 4x वैल्यू पे एक, 5x वैल्यू पे एक, वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो न्यू ऑफर आएंगे वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो न्यू ऑफर्स आएंगे। एंड उसके अलावा हो सकता है कुछ बैलेंसिंग चेंजेस आए, एंड क्या टाउन हॉल 14 आ जाएगा, तो भाई इसका आंसर मैं देता हूँ, इतना जल्दी टाउन हॉल 14 नहीं आएगा। मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है टाउन हॉल 14 आने में अभी थोड़ा टाइम है। लाइक अगर आप देखोगे टाउन हॉल 13 कब आया था, तो वो भी मे बी अक्टूबर के आसपास आया था, तो इस बार अगर 14 आएगा तो वो भी मे बी उसी वक्त में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। एंड एक अपडेट जो सुपर सेल वाले अभी बता चुके हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, सो गाइज चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ ट्विटर पे, यहाँ पर देख सकते हो, हाय चीफ, अगले हफ्ते हम ये बदलाव पेश कर रहे हैं। मतलब क्या कुल मिला के अगले हफ्ते लाइक आफ्टर वन वीक यहाँ पर अपडेट आने वाला है। उस अपडेट में गाइज अगर आप बोलो दिल टूट गया या कुछ भी टूट गया, आप जो बोलना चाहो बोल सकते हो, सुपर विजार्ड का जो चेन डैमेज है वो रिड्यूस हो रहा है 60% to 40%, क्योंकि ज्यादा ही ओवर पावर्ड हो रहे थे विजार्ड में सुपर विजार्ड। तो यहाँ पर सुपर सेल को पता है, सभी को पता ही चल चुका था, किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं थी कि सुपर विजार्ड नर्फ होने वाले, तो यहाँ पर सुपर विजार्ड को इन्होंने कर दिया है नर्फ। बूम जो लेवल 9 का उसका डैमेज बढ़ाकर कर रहे हैं 112 से 125, एंड यहाँ पर सुपर आर्चर जो लेवल 9 की है उसके हिट पॉइंट इंक्रीज कर दिए 510 एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज, एडजस्ट वार्डन प्योरिटी टू फॉलो लॉग लॉन्चर एट बैटल ब्लिंप। तो यहाँ पर एडजस्ट करने वाले ये थोड़ा कि वो लॉग लॉन्चर एंड बैटल ब्लिंक को भी यहाँ पर फॉलो करे, तो इस तरह के चेंजेस यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं, जो कि अगला हफ्ते में भी ये थोड़ा सा बैलेंसिंग चेंजेस हो गए अपने गेम के अंदर, जिसके बाद हमारे बेचारे सुपर विजार्ड का आरआईपी हो जाएगा। आरआईपी तो नहीं होगा, बट यार इतना ज्यादा पावरफुल नहीं रह जाएगा जितना ज्यादा अभी वो है। एंड चलिए बात करते हैं, अभी मैं बात कर रहा था लूनर अपडेट, तो भाई लूनर अपडेट कब आएगा, देखो मैं अभी आपको एग्जांपल में बताता हूँ। लूनर आएगा जो इस ईयर लूनर अपडेट मतलब मेन जो लूनर फेस्टिवल है वो है 12th February 2021, तो 12th फरवरी को लूनर आएगा, तो उससे मे बी वन वीक पहले, और वो वाला जो वीक है मे बी डेट में बताऊं तो आपको 6th February to 12th February के बीच में आपको लूनर वाला ये जो भी चेंजेस होगी अपडेट होगी वो देखने को मिलेगा हर बार की तरह। एंड 12th February को लूनर है तो उससे पहले ये आ जाएगा, एंड ये अपकमिंग अपडेट है। उसके बाद जो अपकमिंग अपडेट होता है आप सभी को पता होगा, लूनर अपडेट ज्यादा मेन नहीं है, उसमें बहुत ही छोटे मोटे बैलेंसिंग चेंजेस हो गए, ज्यादा कोई इतना बड़ा नहीं हो जाएगा कि बहुत सारे ही आपका चेंजेस हो रहे हैं ये वो, तो ये छोटे मोटे चेंजेस अभी अपकमिंग होने वाले हैं। एंड देखते हम तो वेट कर रहे हैं, मेनली जो हम वेट कर रहे हैं वो है ऑफ कोर्स वी आर वेटिंग फॉर टाउन हॉल 14, एंड वो इतना जल्दी तो नहीं आने वाला। तो क्या लगता है आपको नेक्स्ट अपडेट के बारे में, कितना तबाही मचा देगा अपना अपडेट,
गेम में क्या क्या चेंजेस हो गए कमेंट करके आप भी बताना। एंड जो मुझे पता था, जितना मुझे पता था कब आने वाला है, जो भी प्रेडिक्शन थी वो सब कर दी है। एंड इसके अलावा गाइज अभी वॉर लग चुका है, अगर मैं आपको कल का वॉर दिखाऊं तो वॉर लॉग यहाँ पर कल हम वॉर विन कर चुके। कल गाइज हम 1 स्टार से वॉर विन किए, काफी ज्यादा क्लोज कॉम्पैक्ट वॉर हो गया था एंड काफी इंटेंस सिचुएशन में हम एट द एंड 1 स्टार से विन किए। एंड परसेंटेज में देखो तो 0.10% हम आगे थे एंड भाई बहुत ज्यादा टक्कर का वॉर था एनिमी क्लेन का। अगर इससे पहले अगर आप वॉर विन स्ट्रीक देखोगे तो भाई उनका 6 का वॉर विन स्ट्रीक था जो हमने तोड़ दिया, अब हमारा 5 का वॉर विन स्ट्रीक हो चुका है। तो ये उनके बेसिस है कुछ, इतने हमने 3 करे। एंड गाइस मैं आपको कुछ अटैक दिखाता हूँ, नंबर 3 एंड नंबर 4 का अटैक दिखाता हूँ, काफी ज्यादा अमेजिंग हुआ ये अटैक। तो मैंने किया था, येटी स्मैश किया था इस बेस पे, काफी ज्यादा पॉपुलर बेस है, यहाँ पर क्वीन वॉक की एंड उसके साथ साथ येटी स्मैश करके तबाही मचा दी इस बेस के ऊपर। कतई खुले तौर से पूरा बेस हमने मतलब क्रश सा कर दिया, कुछ बचा ही नहीं। इधर मैंने एक विजर्ड से फनल करा एंड इस तरफ क्वीन वॉक, फिर इधर एक येटी डाल दिया, इधर आ गए अर्थक्वेक, सारे येटी आ गए, स्विच वेरे किंग वार्डन क्वीन टाउन हॉल पे टारगेट कर ली, रेड डाल दिया, यहाँ पर सीसी आया, सीसी की इधर जंप डाल दी गई, पॉइजन डाल दी गई ताकि सुपर मिनियन ज्यादा डैमेज ना दे, वार्डन का एबिलिटी एवरीथिंग, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, पूरा बेस ओपन हो चुका था, पूरे बेस में कोई भी ऐसे कंपार्टमेंट बचे नहीं थे। नीचे वाली तरफ से आरसी डाली एंड ये वाला अटैक 3 स्टार कर लिया। एंड यार जब क्लोज कॉम्बैट वॉर होते ना तभी तो देखने में मजा आता है, तो उसी तरह से हुआ क्लोज कॉम्बैट वॉर एंड भाई बिल्कुल धड़कने धक धक करने लग गई थी एंड फाइनली बट हमने ये वाला अटैक भी विन किया एंड ये वॉर भी विन किया तो हमारे लिए बेटर हो गया। एंड एक और चीज गाइस, अगर आप में से कोई टाउन लॉर्ड 13 का प्लेयर देख रहा है, हमारा क्लैन अभी मास्टर 2 में आ चुका है, परमानेंटली स्टे करना चाहते हैं, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम या डिस्कॉर्ड पे मैसेज कर दीजिएगा, आई विल एड यू इन माय क्लैन इफ यू आर टाउन लॉर्ड 13 मैक्स, देन आपको कॉम्पिटिटिव के लिए भी तैयार करेंगे, हमारे क्लैन की जो लाइनअप है उसमें भी आप जा सकते हो। सो ज्वाइन कर लो क्लैन एंड रिक्वेस्ट क्या करनी है, मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर देना अपनी प्रोफाइल के साथ एंड या फिर डिस्कॉर्ड पे कर देना। चलिए एक और अटैक देखते हैं अरुण का, जो कि आरआईपी होने वाला है जिस आर्मी का, ये बिजार्ड बैटल ब्लीम वाला अटैक इन्होंने किया था, अटैक काफी अच्छा था, सेंटर में गए, यहाँ पर सुपर बिजार्ड एंड इनविजिबिलिटी स्पेल का यूज किया गया, आप देखना कितना ज्यादा वैल्यू लिया गया, आरसी भी टेकडाउन हो गई, टाउन हॉल भी टेकडाउन हो गया एंड जो चेन डैमेज है इसी कारण से अब कम हो रहा है, आरसी गया, इधर की तरफ में भी आप देखोगे ये मल्टी इन्फर्नो भी गया एंड टोर्नेडो ट्रैप टेकर डाउन हो गया, इधर की तरफ में ये एक्सपोज गई एंड उसके साथ साथ सीसी भी लूर हो गया, फिर नीचे की तरफ से किंग डाला गया, विजर्ड डाला गया, सुपर फॉल ब्रेकर क्वीन वगैरह डाली गई एंड ये सुपर मिनियन आ रहे हैं, इनके ऊपर पॉइजन स्पेल की गई, बहुत अच्छा, सब अलग अलग जगह टारगेट कर रहे थे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। इस तरफ आरसी आ गई, आरसी ईगल पे गई बट 1 HP ईगल यहाँ पर बच गया, बट स्टिल उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, काफी ज्यादा बेस ऑलरेडी क्लियर अप कर चुके थे अरुण एंड ये वाला अटैक काफी ज्यादा अमेजिंग है एंड इजिली टेकडाउन कर दिया पूरे बेस को। 4 में मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ज्यादा पावरफुल आर्मी है अभी के लिए, अगर आप ये मानो तो ये बिल्जार्ड वाली बहुत ही ज्यादा जहर कर देती है। सो ये भी एक 3 स्टार अटैक था एंड फाइनली हमने वॉर भी विन कर लिया। अटैक कैसे लगे कमेंट करके बताना, इन अपडेट के बारे में जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो कैसी लगी उसके बारे में मुझे कमेंट करके बता देना। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, हिट द लाइक, हिट द शेयर, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड 30,000 सब्सक्राइबर फटाफट से करने एंड सेटअप 2 वीडियो के साथ में काफी कुछ सरप्राइजेस आपके लिए मैंने प्लान की है, तो फटाफट सब्सक्राइब करो, नीचे क्लोता लाल बटन है दबाओ एंड बेल आइकन प्रेस करो ताकि इस तरह की वीडियो आप मिस ना करो एंड आपको अपडेट के बारे में सबसे पहले पता चल जाए। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए क्लैश ऑन, हैव अ नाइस डे, क्लैशर्स।